ओम शांति। ये बंबई का क्लास है, बुधवार 23 अक्टूबर 1963। रिकॉर्ड चला है, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे, तुझे किस बात का डर है। परमपिता परमात्मा, माना परमात्मा, वो सिकील दे जीवात्माओं से बात करते हैं, क्योंकि बिंदु आत्मा की बिंदु आत्मा से सिर्फ बात नहीं हो सकती है। जब तक बिंदु आत्मा आर्गन्स न ले या फिर शरीर न हो, कर्म इंद्रियां न हो, अब बताओ ये किसका घर है। निराकार सुप्रीम सोल शिव का घर है या शिव बाबा का घर है। परमपिता परमात्मा, माना परमात्मा, फिर उनको ईश्वर भी कहते हैं। ईश माना ही शासन करता और वर माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता। उसे प्रभु भी कहते हैं, अर्थात प्रकष्ट रूपेण भूते। जो प्रकष्ट रूप से उत्पन्न होता है, प्रत्यक्ष होता है, उसे भगवान भी कहते हैं। जैसे कहते हैं धनवान, धन वाला, उसे गॉड भी कहते हैं। तो बताओ अभी तुम किसके घर में बैठे हुए हो। तुम भगवान के घर में यानी बाप के घर में बैठे हुए हो। बाप के घर में कौन बैठते हैं है? अरे लौकिक बाप के घर में भी कौन बैठते हैं, कौन बैठने के हकदार होते हैं? जरूर बच्चे ही बैठेंगे। तो ये तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी जिसको ईश्वर कहते हैं, बाप कहते हैं, अच्छा नाम तो बहुत हैं। हम बाबा के घर में हैं, तो बाबा कौन सा? लौकिक बाबा है या पारलौकिक बाबा है? क्योंकि पारलोक आत्माओं के लोक को भी कहा जाता है, परम धाम अथवा इस कलयुगी दुनिया के लोक से भी पार। सतयुग को भी पार लोक कहा जाता है। अब बताओ
ये दादा है या सिर्फ बाबा है? क्या है, क्या कहेंगे? वो हमारा दादा भी है, दादा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, और बाबा भी है। और हम उनके फिर पुत्र और पौत्री हैं। तो ये पुत्र और पौत्रों का घर हुआ ना, परंतु पुत्र और पोत्रे कोई सगे होते हैं, कोई लगे होते हैं। ये बात दुनिया में मशहूर है। वो है ना, किन जैसा बनो तो गोद में बैठो, यानी प्रतिज्ञा करो कि हम सच ही सुनेंगे, झूठी झूठी अफवाहें नहीं सुनेंगे और सच ही बोलेंगे। किससे सच सुनेंगे, किससे सच बोलेंगे? सच्चे बाबा से। और हम कोई से भी नहीं सुनेंगे, न सुनेंगे न बोलेंगे। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसे है ना। वो क्यों है और कौन है? वो तो बंदर लोग हैं, परंतु मनुष्यों के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। बंदर तो मनन चिंतन मंथन नहीं करेगा, मननात मनुष्य कहा जाता है, तो मन का उपयोग करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य के लिए है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जरूर ऐसा मनुष्य ही होंगे ना, बंदर की तो बात ही नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि आजकल के मनुष्य बंदर के समान हैं, जो ईविल बातों को सुन लेते हैं, फिर ईविल बातें ही बोलते हैं। और ईविल को ही देखते हैं, उनका नजरिया ही बदल जाता है। ऐसे बंदर समान को कहा जाता है कि हियर नो ईविल, सी नो ईविल। जो भी झूठ बोलने वाले हैं उनसे कुछ भी न बोलो, न उनसे बोलो, न सुनो, न करो। जो तुम्हारा बाप है, जिसको कई जानते भी हैं, पूरी रीत से कोई कोई जानते हैं, कई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप खुद कहते हैं,
कि मैं तो जानता हूं, कोई मेरे सगे हैं कोई लगे हैं, जो मेरे को नहीं जानते हैं परंतु लगे भी घर में बैठ जाते हैं, बैठ तो जाते हैं ना, सौतेले होते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत बाहर वाले आकर बैठ सकते हैं। ये बच्चे जानते हैं कि हम अभी ईश्वर यानी बाप बाबा के घर में, बाप शिव और ब्रह्मा दादा के घर में बैठे हैं। अभी शिव के बच्चे तो सारी दुनिया है, कैसे शिव ज्योति बिंदु, तो शिव ज्योति बिंदु बाप के बच्चे भी ज्योति बिंदु आत्मा, तो सारी दुनिया शिव के बच्चे हैं। और वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की वे सारी दुनिया बच्चे हैं, क्योंकि अंत में प्रजापिता को सारी दुनिया पहचान लेगी, कोई भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एडम को, आदम को, आदि देव को, आदिनाथ को सारी दुनिया पहचानेगी, क्योंकि उनकी रचना ही प्रजापिता से होती है। आदम एडम से होती है, फिर भी कहा जाता है ब्रह्मा से कौन पैदा हुए है? इस्लामी बुद्ध क्राइस्ट पैदा हुए क्या? कौन पैदा हुए? ब्राह्मण पैदा हुए। जो ब्राह्मण बने अर्थात ब्रह्माचारी बने, ब्रह्मा का आचरण करने वाले बने, वो ही फिर नई दुनिया में देवता बने। देवता 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। देखो समझने की बातें हैं, भले तुम इन बातों को नोट करो, तुम नोट नहीं करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि हम सबकी गोल्डन एज बर्तन है, हमारी गोल्डन एज बुद्धि में, बुद्धि रूपी बर्तन में सारी बातें समाई जाएंगी, जो भी बाबा बोलते हैं। परंतु नहीं, बहुत मुश्किल है, ऐसे मत समझो कि हमारा बुद्ध रूपी बर्तन गोल्डन एज वाला है, क्योंकि बाबा तो अथाह पॉइंट्स देते रहते हैं।
ढेर के ढेर पॉइंट्स हैं, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं ना वो अखबार में पढ़ते हैं। कोई भी नई प्रकार की इन्वेंशन मिलती है तो उसे झट नोट करते हैं। कोई बुद्धू होते हैं कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ भी हर एक बात ऐसे ही है, हर एक बात में पढ़ाई में भी ऊंचे और नीचे होते हैं। कोई सर्जन देखो लाख रुपया एक केस में कमा लेता है, और कोई सर्जन देखो हजार रुपया भी मुश्किल, कोई 500 भी मुश्किल कमाएगा। ऐसे भी होंगे जो अपना शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकेंगे, ऐसे भी सर्जन और वैसे भी बैरिस्टर। बैरिस्टर को देखो कोई कोई एक एक केस का कितना कमाई लेते हैं। बाबा ने कलकत्ते में सब देखे हैं। तुम लोगों ने भी सुना होगा, वो बैरिस्टर है जा करके काउंसिल का मेंबर बना, जमींदार था, कितनी कमाई की। एक केस लेता था लाख रुपया चार्ज करता था, क्योंकि जहां 10-20-50 लाखों के केस वहां इतने केस करता था, और उनके सारे घर को बाबा जानते थे, देखते थे ये क्या, ये भी BA LLB और उसमें जाओ तो किसका कोट भी पूरा सिला हुआ नहीं होता था, छेना किया हुआ कोट होता था, फटा हुआ होता था। ऐसे भी BA LLB तुमने देखे होंगे। तुम भी ये जानते हो कि बरोबर हम बाप से स्वर्ग का वर्षा अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण का पद का वर्षा पाए रहे, और पाने वाले सन्मुख हैं, विमुख नहीं है। कोई बातों में भी विमुख होने की बातें करते हैं ना, संकल्पों से भी विमुख होते हैं ना, कर्म भी ऐसे ऐसे करते हैं जो विमुख साबित हो जाए। तुम जो कुछ भी पाते हो वो यहां इस दुनिया के लिए पाते हो ना, स्वर्ग पाते हो तो इसे दुनिया में ही पाते हो, नरक पाते हो तो इसे दुनिया में ही पाते हो, कोई विलायत के लिए तो नहीं पाते हो। भारत के लिए ही पाते हो। तुम बच्चों को ये लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर समझाया गया
भले हमने छोटा चित्र भी छपवाया है, क्योंकि सबको तो ये बड़े बड़े चित्र नहीं देंगे। ऐसे तो फिर बात मत पूछो। अगर हम ऐसे बड़े बड़े चित्र कितने भी छपवाते हैं तो इतना थोड़े ही सबको दे सकेंगे। तो जरूर हमको हल्का और सस्ता भी छपाना पड़े। जैसा जैसा आसामी वैसा वैसा देना पड़े, तुम ये तो जानते हो कि अभी तुम कहां बैठे हो। ईश्वर जिसको परमपिता कहा जाता है और फिर परमात्मा, कैसी आत्मा? परम। बाबा ने समझाए दिया है, भले उनकी महिमा तो है किनकी, उनकी कह के दूर क्यों कर दिया? जरूरत नहीं। उनकी महिमा तो है, इनकी क्यों नहीं कहा? ब्रह्मा के बाजू में ही बैठकर मुरली चला रहा था। मेरी महिमा तो है, ऐसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि ब्रह्मा की महिमा नहीं होती है, महिमा तो शास्त्रों में भी भगवान की ही है। वो वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान है। अब बताओ उनमें क्या शक्ति है? वाह, ये तो पतित दुनिया को भी पावन बनाने वाला है। नरक को स्वर्ग बनाना और इसी जन्म में बनाना या अगले जन्म में बनाना, कब बनाता है? क्या ये शक्ति नहीं है? सारी दुनिया को पावन बनाना, सारी दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाना, अब शक्ति उसको तो नहीं कहा जाता जो कुश्ती लड़ता है, बंदूक चलाना सीखता है या कोर्ट कचहरी सीखता है। बाप को सर्वशक्तिवान क्यों कहा गया है? उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी क्यों कहा गया है? वाह, वो तो स्वर्ग का रचयिता है। और वो इस माया रूपी रावण पर जीत पहनाते हैं। उनके अलावा कोई भी जीत नहीं पहना सकता, बिल्कुल नहीं। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो माया पर जीत पहनाए, और माया जीते जगत जीत बनाए। जो लड़ाई में बहादुर होते हैं उनको शक्तिवान कहा जाता है। इनकी जो सेना है हरि शक्तिवान,
ये गवर्नमेंट नहीं, ये तो कौरव गवर्नमेंट है। हमारी तो एक एक डिवीजन ऐसी है। अरे हम तो उनको लड़ाई में लाए ही नहीं। अगर हम उनको लड़ाई में लाते तो ये माया खड़ी भी नहीं हो सकती। सुनते हो, अखबारों में भी पढ़ते हो? तुम लोग तो अखबार नहीं पढ़ते हो, परंतु हमने वो रख दिया था, फट से नहीं भेजा। परंतु ऐसे तो है ना, इनमें कोई कोई डिवीजन होती है, इनकी बड़ी बहादुरी होती है। जैसे सिख डिवीजन बड़ी बहादुर होती है, नेपाल में गोरखे बड़े तीखे होते हैं। क्या नाम रखा? गो माने गऊए और रख माने गऊओं की रक्षा करने वाले गोरखे नेपाली होते हैं, अर्थात नई दुनिया की पालना करने वाले होते हैं। ये नेपाली छोटे होते हैं ना, परंतु बड़े मजबूत होते हैं। हद के नेपाली या बेहद के नेपाली? बेहद के नेपाली छोटे कैसे होते हैं? हैं? दुनिया की नजरों में छोटे होते हैं, और जब उनका प्रभाव निकलता है तो दुनिया समझती है तो बहुत बड़े हैं, बहुत मजबूत हैं। तो अभी तुम्हारे पास भी ऐसे ऐसे हैं। सबसे छोटी तो हमारी ये कन्याएं हैं। हमारे दिव्य जन्म में रूहानी नाल वाले सेना में हमारी ये कन्याएं ही तीखी जाती हैं। ये बेचारी किसको भी पकड़ेंगी तो वो बोलेंगे इनके संग में गई तो ये हमारे हाथ से चली जाएगी। ऐसे कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियों के पास गई, गई तो गई, फिर हमारे हाथ से निकल ही जाएगी। अब ऐसा तो जरूर होगा, अभी कम होता है और आगे चल के बहुत कुछ होगा। यानी ईश्वर की गोद में जो गए उनको और कौन गोद में लेगा? अरे बाबा के पास ऐसे ऐसे युगल हैं, उनमें भी माताएं हैं, ऐसे ऐसे उनके पति आते हैं। अरे अगर उन्होंने हाथ भी लगाया
तो झट बोलती हैं मैंने ईश्वर की गोद ली है। ईश्वर की गोद के बाद मुझे 21 जन्म के लिए स्वर्ग की गोद मिलेगी, दैवी गोद मिलेगी। बस अब हमने ईश्वरीय गोद ली तो ली, अब कोई असुर मुझे टच नहीं कर सकता। ये मलेच्छ, ये बगुले हमको टच नहीं कर सकते। ऐसे बोलती हैं जैसे कोई शक्ति। देवी शक्ति होती है ना, खड़ी होती है। खबरदार, मैंने अब उस ईश्वर की गोद ली है, मैं अभी वो स्वर्ग का मालिक बन रही हूं। तुम भी अगर पवित्र बनो तो मुझे हाथ लगाओ। बस जब तक पवित्र नहीं बने हो क्या नहीं बने हो? पवित्र नहीं बने हो, पवित्र माने हैं? पवित्र नहीं बने हो तब तक मुझे तुम टच भी नहीं कर सकते हो। पवित्र बनना माने क्या? अपवित्र बनना माने क्या? पतित बनना माने क्या? पावन बनना माने क्या? कोई कोई तो ऐसे पतित होते हैं मन बुद्धि से भी कि हाथ लगाते ही पतित हो जाते हैं, शक्ति छीण हो जाती है। तो बोला तुम पवित्र बनो तो हाथ ऐसे भी कर सकते हो। जब तक पवित्र नहीं बने हो मैं कहती हूं मेरे को टच भी नहीं कर सकते। मलेच्छ ऐसी भी बहुत होती है एकदम, आगे चल करके बहुत देखेंगे। अभी भी उनके झगड़े बाबा के पास आते हैं, बाबा ये तो देखो मैं इनको कुछ कहता भी नहीं हूं, मैं छुट्टी भी देता हूं, मैं पवित्र रहता हूं। फिर भी मैं सिर्फ टच करता हूं तो एकदम कहती है खबरदार, मैं स्वच्छ से स्वच्छ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की बच्ची हूं। वो बाप कहते हैं ना, जो मैं परमात्मा इस आत्मा में प्रवेश किया है, इस जीव आत्मा में प्रवेश किया है, मुझे शरीर का लोन चाहिए। अच्छा तुम मेरे को जानने से मेरे द्वारा सब कुछ जान जाती हो। क्या जान जाती हो? सारे सतयुग से लेकर ब्रह्मांड, अरे ब्रह्मांड क्या चीज है,
ये सूक्ष्म बतन भी क्या चीज है, वहां कौन रहते हैं, ये टाकी दुनिया कैसे होती है, और इस टाकी दुनिया में ये पार्ट कैसे बजते हैं, मेरे मीठे बच्चे मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, क्योंकि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं ना। इस कल्प वृक्ष जो मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, जिसमें अनेक धर्म हैं, उनको तो मैं ही जानता हूं ना, इसलिए मुझे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी कहते हैं। फिर ठक से कह देते हैं नॉलेज फुल, ये जो वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिन धर्मों की अलग अलग रस्म रिवाज है, शिकल भी सब धर्म वालों की अलग अलग होती है, फीचर्स सब के अलग अलग होते हैं, देखो तो कितना बेहद का नाटक है। 500-700 करोड़ एक्टर्स में से एक भी न मिले दूसरे से, हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब ये बातें दुनिया में कोई सब थोड़े ही जान सकते हैं, तो भी देखो बहुत बुद्धू लोग हैं, उनको फिर भी निश्चय नहीं बैठता है। हाँ अच्छा तो बहुत लगता है, कहते हैं भी बाबा बहुत मीठा, समझानी भी ऐसे देते हैं, परंतु निश्चय नहीं बैठता है। तो बाप कहे, कौन कहे, बाप कहे, कौन बाप, हाय मेरी तकदीर, निश्चय क्यों नहीं बैठता है, जबकि गायन भी है, निश्चय बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि विनश्यते। अरे बरोबर, जिसको निश्चय होगा ये मेरा बाप है, तो वो जरूर विजयमाला के दाने बनेंगे। जिनको संशय है उनका विनाश हो जाएगा, विनश्यन्ते, फिर वो माला के दाने कैसे बनेंगे। ऐसे भी अभी बैठे हैं ना, इन बातों को सुनते हो ना, ये सब बैठे हैं, यहां ही बैठे हैं, जानते हैं कि ये घर है, क्योंकि बाबा जहां जाएगा वहां ही अच्छी तरह से समझाएगा ना। बताएगा ये घर है, क्या बोला व्यक्तवाणी में है घर के बारे में, जहां जहां बाप दादा जावेंगे, कहां जावेंगे है,
जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा जावेंगे। ये बात तुम जानते हो ना? ये जो शरीर है इसमें परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वो प्रवेश है और नाली स्थूल है। 23:10-23 की वाणी का तीसरा पेज। नाली स्थूल का अर्थ ये नहीं है कि सबके दिलों को जानने वाला है। बीज रूप जो होगा तो दिल को जानेगा या नॉलेज को जानेगा? नॉलेज किसको कहा जाता है? वो नॉलेज ही सुनाएगा, जरूर झाड़ का नॉलेज बैठ करके सुनाएगा या एक एक पत्ते की दिल को जानेगा? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ऐसे क्या मुझे एक एक पत्ते को जानना पड़े? अरे ये तो बात ही मत पूछो। मनुष्य तो इतने मूर्ख हैं, बंदर तो फिर भी कुछ सहाने होते हैं। आजकल तो ये बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप आया हुआ है ना, ये रामायण की बात तो बाबा ने समझाई बहुत बच्चों को। क्या बात? कि राम बाप ने बंदरों की सेना ली, ये भी एक दंत कथा बनाई है। अभी बंदरों की थोड़े ही कोई सेना होती है। तुमने दुनिया में कभी बंदरों की सेना देखी? वो जंगल के बंदर होते हैं। यहाँ तो न हद के बंदरों की बात नहीं है, हद के जंगल की भी बात नहीं है। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। एक दूसरे को दुख देते ही रहते हैं। बच्चा बाप को दुख देता है, बाप बच्चे को दुख देता है, पति पत्नी को दुख देता है, पत्नी पति को दुख देती है। सारे संबंध दुखदाई हो गए। तो ये कांटों का जंगल हुआ ना, कांटा लगता है तो क्या देता है? है दुख ही देता है। हाँ ये जरूर है कि उन बंदरों की भी आपस में सेना होती है। बंदरों के अलग अलग कई ग्रुप हो जाते हैं। हर ग्रुप का एक बादशाह होता है, कोई वजीर भी होता है। तुम बच्चे कभी शिमला में गए हो? शिमला में जाकू पहाड़ी पर जाएंगे ना, वहां बहुत बंदर होते हैं और वहां एक बाबा भी रहता है,
उनको कुछ देते हैं। वहाँ ए बादशाह, ए बादशाह, घड़ी घड़ी नखरी मानेंगे। तो बादशाह आ जाएगा, वो बड़े से बड़ा बंदर होता है। रानी, रानी मंत्र पुकारेगा तो उनकी रानी भी आ जाएगी। कोतवाल, कोतवाल पुकारेगा तो कोतवाल आ जाएगा। वजीर, वजीर पुकारेंगे तो वजीर आ जाएगा। ये सब उन बंदरों को सिखाया गया है। और वो बंदर हैं बड़े मस्त। कोई ना करे और थोड़ा भी उनको ऐसे ना किया झट, तो उछल करके पगड़ी उतार देगा या कुछ भी पड़ा हुआ होगा कंधे पर अंगूछा आदि, तो उसको ले भागेगा। अब वो बंदर तो बंदर है ना, तो भगवान श्री रामचंद्र ने भी बंदरों की सेना ली। उन बंदरों की काम विकार रूपी पूंछ में आग लगाई। दिखलाते हैं नाटक में, परंतु कितनी नॉनसेंस बातें हैं। उस पूंछ में आग लगाने की बात है क्या? ये तो इंद्रियों में आग लगती है। अभी तुम इन बातों को समझते हो ना? वो बंदर थोड़े ही कुछ समझते हैं। ह्यूमन ही समझेंगे। अभी तक वो बंदरों की सेना निकालते हैं। रामलीला में देखा है ना, जब रावण निकालते हैं ना, तो मनुष्य को काला करके लंबी पूंछ दे देते हैं। और लाल मुंह वाला हनुमान बनाए देते हैं। अरे यहां भी बंदरों का एक चित्र था। महावीर का, ये जो जैनी लोग हैं ना, उनको महावीर कहते हैं। जिसको हिंदू लोग हनुमान कहते हैं। यहां एक हनुमान का चित्र था। हनुमान जो बड़ा मुख्य बंदर था, देवता समझकर उसकी पूजा करते हैं और बाकी में सबको हनुमान दिखाई दिया। मनुष्य शिकल सभी की हनुमान की है, बाकी तो उनके आर्गन से ढके हुए हैं। वो आर्गन से प्रत्यक्ष नहीं है, मेरे पास कोई ले आया था।
अभी तुम बच्चे तो समझ गए होंगे कि श्री रामचंद्र सीता जिनके इतने मंदिर बने हुए हैं, जो 14 कला संपूर्ण कहे जाते हैं और उनको भगवती भगवान कहा जाता है, वहां ये सब बातें कहां से हो सकेंगी? सतयुग और त्रेता स्वर्ग, द्वापर और कलयुग नरक, क्योंकि द्वापर से माया की प्रवेशता होती है और नरक बनना शुरू कर देती है। तो अब समझा ना, जैसे हमारी कला घटती जाती है, द्वापर युग से हमारी कला घटती जाती है, वैसे वैसे माया की कला बढ़ती जाती है। पहले माया सतो प्रधान, फिर सतो रजो, पिछाड़ी में देखो कितनी तमो प्रधान। तो देखो अभी ये सब बंदर हनुमान बैठे हुए हैं, कितना आपस में लड़ाई लड़ते हैं, ये तुम शायद दूर बैठ करके दे नहीं देख सकेंगे। नजदीक आते हैं तब समझेंगे या दूर से भी समझेंगे? परंतु लो, पीछे सबको दिखाना, पिछाड़ी का ऐसा ही पार्ट। अभी देखो बीच में कौन बैठे हुए हैं और इनकी सिकलें क्या क्या बनाते हैं। अब ऐसा कोई मनुष्य थोड़ा ही होता है, कभी भी मनुष्य का कोई दूसरा शेप होता ही नहीं, ना ऐसे कोई कौरव ना कोई पांडव। जो यहां से छत इतने बड़े हों, इन श्री लक्ष्मी नारायण को देखते हो ना, मनुष्य तो जैसे मनुष्य ही होते, ऐसे थोड़े ही है कोई 5.5 फुट के बदले में 8-10 फुट के होंगे, छत इतनी ऊंचाई के नहीं। 8 फुट वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। जैसे पांडवों के मंदिर में दिखाई देते हैं, हाँ कोई बौना होते हैं, उनमें कोई इतने जामड़े होते हैं, तो तुमको मिडगेट्स कर दिया है कि इनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले वो छोटे ब्राह्मण दिखाए गए। कौन है? बामन अवतार, छोटा था ना, दुनियावी दृष्टि से क्या था, छोटा था या बड़ा था? दुनिया के बड़े बड़े आदमियों ने क्या समझा, राजा बलि ने क्या समझा, छोटा ब्राह्मण समझा या बड़ा ब्राह्मण समझा? तो बटुक कहा जाता है, वामन
एक बटुक्का ये बामन का, एक गुजराती, एक चंद्रकांत वेदांत, उसको कहा जाता है। क्या एक गुजराती और दूसरा चंद्रकांत वेदांत, एक चंद्रकांता की आखानी होती है ना, नावेल्स है ये, है फिर चंद्रकांत वेदांत, ये भी नावेल है, परंतु वो है शैतानी, ये फिर है देवी देवताओं का, उनमें लिखा है, है तो ये भी नाबिल, ये पढ़ा हुआ है। ये चंद्रकांत तो गुजराती लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, हिंदी में भी है, उनको वेदांत कहते हैं। चंद्रकांत फिर उन्होंने नाम रख दिया, अर्थात चंद्रमा की कांति वाला वेदांत। अभी वेदांतों को क्या करूंगा, उनमें बहुत मत्था खपा हुआ कहानियां लिखी हुई है। ये चित्र देखो, जगदम्बा है, दो भुजाएं हैं, वो पिता है, वो उनकी बेटी है, उनकी भी दो भुजाएं, परंतु भक्ति मार्ग में उनको बहुत भुजाएं दे दी हैं। ये इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? ब्रह्मा की दो भुजाएं, अर्थात एक दूसरे के सही होगी, फिर दो से चार, चार से आठ, अरे ये तो होगा ना।